नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं संकटा चौथ की व्रत विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और यह व्रत कब है, ये सारी बातें मैं शेयर करूंगी और अंत में मैं व्रत कथा भी बताऊंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो कई ऐसे व्रत हैं जो अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखे जाते हैं, लेकिन उन सभी में संकट चौथ व्रत का काफी महत्व है। यह व्रत हर साल माघ की चतुर्थी के दिन रखा जाता है, जो इस बार 13 जनवरी 2020 को पड़ रहा है। इस व्रत को तिलकुटा चौथ, संकटा चौथ या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस व्रत के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं। अब मैं व्रत का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। चतुर्थी तिथि जो है वह प्रारंभ होगी 13 जनवरी को शाम के 5:32 से और इसकी तिथि जो समाप्त होगी वह 14 जनवरी को दोपहर 2:49 पे समाप्त होगी। अगर हम उदया तिथि को माने तो 14 जनवरी को व्रत होगा, लेकिन चूंकि जो चौथ है, जो हमको चंद्र भगवान की पूजा करनी है, तो वो जो चंद्रोदय है वो 8:33 पे होगा 13 जनवरी को, तो 13 जनवरी को ही चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि जो चौथ में चंद्र भगवान की पूजा होती है वो चौथ जो है वह 13 जनवरी को पड़ेगी। अब मैं बताने जा रही हूँ व्रत विधि, संकट चौथ की व्रत विधि कैसे है। इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। उसमें पूरी पूजा विधि दिखाई गई है। संकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन बिना खाए पिए रहती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। रात के समय चंद्रमा के उदित होने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। पूजा में एक चौकी लेते हैं और उस चौकी पर चंद्रमा की आकृति बनाते हैं। वह आकृति आप गोबर से या गेरू से बना सकते हैं, कुछ लोग सिंदूर से भी बनाते हैं। चंद्रमा की आकृति बनाने के बाद उसमें गोबर से बनाई हुई गौर माता और एक सुपारी रखते हैं। वो सुपारी चांदी की भी हो सकती है या नॉर्मल सुपारी ले सकते हैं। उनको भगवान गणेश जी मानकर स्थापित किया जाता है। फिर गणेश जी और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। सिंदूर लगाना चाहिए, भगवान गणेश जी को धूप चढ़ाना चाहिए और उसके बाद फल फूल चढ़ाना चाहिए। व्रत की पूजा में विशेष क्या चढ़ाया जाता है वो मैं बताने जा रही हूँ। तो इस व्रत की पूजा में गुड़, तिल, गन्ने और मूली का प्रयोग किया जाता है। जो भी ऋतु फल है वो फल चढ़ाते हैं और जो भी फल आप चढ़ाएं वो 4-4 की संख्या में चढ़ाने चाहिए। बहुत से लोग तिल का लड्डू बनाते हैं। हम लोग के यहाँ तिल और गुड़, 1.25 पाव तिल और गुड़ मिलाकर चढ़ाते हैं, घी मिलाकर, और उसका एक तिल का पहाड़ बनाया जाता है, जो अगले दिन सुबह अपने पुत्र से वो पहाड़ को कटवाया जाता है। वो आपको पूजा विधि दिख जाएगी। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं तिल से ही अच्छा चढ़ाया जाता है भगवान को, और उसके बाद थोड़ा सा हवन करना चाहिए। 4 बार हवन करते हैं, तिल गुड़ डाल के हवन करते हैं, तो चंद्र भगवान को तिल गुड़ का अर्घ देकर चंद्र भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गुड़ या चीनी की चाशनी में काले तिल को मिलाकर लड्डू तैयार किया जाता है। बहुत से लोग लड्डू बनाते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी चढ़ाते हैं, जिसका भोग भगवान गणेश जी को लगाया जाता है। तो ये पूरी पूजा विधि थी। अब मैं बताने जा रही हूँ संकटी चौथ की व्रत कथा, जिसको सुनना बहुत जरूरी होता है इस व्रत के दिन। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह हम मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी, वह उसे ढूंढ रही थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना करने की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया, तो माँ ने सभी को इस तरह से विघ्न दूर करने वाली संकटी चतुर्थी के बारे में बताया। इस घटना के बाद ये व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और परिवार के सौभाग्य की वृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तो यह थी संकटी चौथ की व्रत कथा।
इसको सुनना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद मैं आप बताने जा रही हूँ एक इस व्रत की महिमा की एक कथा है, जो पौराणिक कथा है कि गणेश भगवान जी का चतुर्थी के दिन ही पूजा क्यों की जाती है। तो ये मैं बताने जा रही हूँ इस व्रत की महिमा। एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे, तब वो मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। इस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य करने के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों सबसे पहले जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन के मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य से उन्हें बहुत ही समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की सात बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब श्री जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह व्रत यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा व्रत और पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, वह तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे, उनके जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, चारों तरफ मनुष्य की सुख समृद्धि प्रदान होगा, पुत्र पौत्र आदि और धन के ऐश्वर्य में कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी। तो ये व्रत का की महिमा थी, जो आप इस व्रत की एक पौराणिक कथा भी आप कह सकते हैं कि चतुर्थी के दिन गणेश भगवान जी की पूजा क्यों की जाती है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने और सुनने के लिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।